कल एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रैक्टिकल एनालिसिस किया था बाय द वे मैंने, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लगा था कि मैंने लाहौर 1947 को सिंघम से कम समझा। यार देखो, मैं प्रैक्टिकल इसलिए बोल रहा था कि अजय देवगन लाइव इंडस्ट्री में कंटिन्यू है। सनी पाजी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है उनकी गदर टू ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए लगभग, पर उससे पहले उनकी जो फिल्म है, अगर हम 2002-1 से बात करें, गदर के बाद गदर टू ही एक सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी है। चाहे वो यमला पगला दीवाना 1, 2, 3 हो, चाहे हीरो फिल्म, उस टाइम पे तो हीरो चलो ठीक ठाक ही थी, वो तो एवरेज गई थी आई थिंक ग्रॉसर। एक मूवी आई थी ना, वो क्या नाम, घायल रिटर्न्स या कौन सी तो आई थी, देखो एक, ये सारी फिल्में, या फिर सिंग्स ऑफ द ग्रेट, ये कोई फिल्में अच्छी चली नहीं थी। अगर मैं कट टू कट बात करूँ, अगर अजय देवगन की भी बात कर लूँ, तो भाई बंदे का सूर्यवंशी का कैमियो ब्लॉकबस्टर गया था, सिम्बा का भी गया था। ये तो मैं अब स्पेशल फिल्में की बात करता हूँ। दृश्यम अच्छी गई थी, शैतान अच्छी गई है, अरे उनकी सारी अच्छी गई है। सिंघम रिटर्न्स, लास्ट के अगर 20 साल की ही बात करें तो बहुत सी फिल्में यार, एक नहीं ऐसी बहुत भूलूंगा मैं। तो ये एडवांटेज की बात कर रहा था मैं कि भाई सनी पाजी को जो लोग, मतलब बुरा सनी पाजी के फैंस को लगा, पर यार प्रैक्टिकल बात करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये नहीं कि भाई हवा में बोल दो। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि लाहौर 1947 अच्छा नहीं करेगी, पर जब सिंघम के साथ क्लैश होगा तो लाहौर 1947 मुझे तो एटलीस्ट अभी तो बैकफुट पे ही दिखता है भाई। दैट फिल्म इज़ नॉट गदर थ्री। आप अगर बार बार गदर गदर थ्री एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई लाहौर से गदर जैसा आपको फील आएगा, नो। हाँ अब आप बोलोगे फिर राजकुमार संतोषी वाला एंगल, भाई घायल घातक, दामिनी भी थी ना आई थिंक, मुझे याद नहीं नाम, तो वो भी तो है भाई। देखो भाई एग्री कर रहा हूँ ना मैं, सारी चीज़ें मैं सब कुछ एग्री कर रहा हूँ, पर यहाँ पे सवाल ये है कि लाइव इन इंडस्ट्री जो अजय देवगन है एट प्रेजेंट, और उनका स्टारडम है, सनी पाजी का स्टारडम विद गदर उतना किसी का नहीं है, बट विदाउट गदर उतना ज़्यादा भी नहीं है। ये भी तो सोचना चाहिए ना कि वो गदर थ्री से नहीं हो रहा है क्लैश सिंघम थ्री का। सिंघम अगेन का क्लैश गदर थ्री से होता ना तो मैं खुद बोलता कि ये रिस्क है, जैसे पुष्पा के वक्त रिस्क थी, अब सिंघम आगे गई है। मैं प्रैक्टिकल बोला हूँ तो सनी देओल जी के फैंस को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी फिल्म तगड़ी है चलेगी। आमिर खान प्रोडक्शंस बहुत बड़ा प्रोडक्शंस है, अच्छे खासे स्क्रीन्स लेने में माहिर है, डायरेक्टर आपका बहुत अच्छा है राजकुमार संतोषी, सनी देओल, पर आप अगर जो सोच रहे हो ना तगड़ा पाकिस्तान की बेइज्जती एंड ऑल, मुझे नहीं लगता है कि भाई आमिर खान कभी वो फिल्म बना पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। नो, आमिर खान की फिल्म मतलब पाकिस्तान, भाईचारा, सेक्युलरिज्म, ये चलेगा उसमें, ये देख लेना आप। लाहौर 1947 अगर आप वो सोच रहे हो कि भाई उसका थीम एकदम खतरनाक, नो, प्रैक्टिकली नो। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंघम और लाहौर 1947 का क्लैश में अभी भी बुरा लगे तो लगने दो, अभी भी सिंघम आगे है। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ क्योंकि सिंघम एक कैरेक्टर है जो 10 सालों बाद वापस आ रहा है लगभग। दूसरी बात यह है कि सिंघम 1 बहुत तगड़ी थी, सिंघम रिटर्न से लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उतनी तगड़ी वो नहीं थी, स्टोरी वाइज नहीं थी, कॉमेडी विलन थे उसमें। पर सिंघम 3 में ये जैकी श्रॉफ, इवन वो जयकांत शिकरे का भी कोई भाई भाई या कोई तो आया है वापस, प्रकाश राज भी उसमें आया है। विलन्स की बात देखो, ये सिर्फ अर्जुन कपूर को मत पकड़ो, बाकी विलन्स भी देखो। कैमियोज़ की बात करूँ, अक्षय, टाइगर, दीपिका, बड़े बड़े कैमियोज़ है बॉस। मेन एक्ट्रेस एक्टर अजय, करीना, आप इवन रणवीर सिंह का कैमियो। कहने का मतलब ये है कि आप वो बाकी भी तो सोचना पड़ता है ना। और रोहित शेट्टी की फिल्म है, वो भी अच्छे खासे स्क्रीन्स लेगा। ये सब सोच के मैं, मुझे लगता है कि लाहौर 1947 स्ट्रगल कर सकती है अगर वो क्लैश में आती हो तो। अभी भी मैं जानता हूँ कुछ सनी फैंस बहुत कमेंट्स में लिखे हैं कि सिंघम कोई भाई बहुत मुश्किल होने वाली है। OMG, एक दो तीन सनी फैंस ने तो ये लिखा है कि OMG 2 से भी बुरा हालत कर देंगे हम सिंघम का। यार गदर होती ना तो मैं कुछ बोलता भी नहीं, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ठीक है भाई वक्त बताएगा। मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो सिंघम एक बहुत बड़ी फिल्म है, एंड आई डोंट थिंक कि लाहौर 1947 के अलावा अगर दूसरी कोई फिल्म होती ना
तो मैं भी एग्री कर लेता है, लेकिन ये सिक्युलरिज्म एंड ऑल अब वो दिन नहीं रहे भाई चलने वाले, तो ये तो वक्त बताएगा। और अगर आप ये बोल रहे कि उसमें देशभक्ति होगी लाहौर 1947 में गदर जैसी, ना यार गदर का इमेज ख़राब मत करो यार। लाहौर 1947 एक अलग फिल्म है, वो सनी पाजी की, इसलिए रिस्पेक्ट करो। पर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, लाहौर 1947 के सामने सबसे पहले है ना 100 करोड़ करेगी या नहीं, वो वाला सवाल हो। अजय सर की सिंघम के सामने सवाल ये होगा कि ये 250 जाएगी या नहीं, फ़र्क समझ लो आप। ये 100-200 ऐसे कर रही है, आपको अगर झूठ लग रहा है, हम बात जब रिलीज़ होंगी फिल्में तब बात करेंगे। मैं प्रैक्टिकल बात करने वालों में से हूँ, किसी की साइड नहीं लेता हूँ। मैं मैदान के वक्त बोला था, अगर मैदान मई मंथ में आती कम से कम 150 करोड़ कमा जाती। ख्याल रखो यार अपना, मैं किसी के अगेंस्ट वगैरह नहीं हूँ। सनी पाजी के फैंस बेवजह ब्लेम अगर कर रहे होंगे तो भाई आप ये मत भूलो कि गदर को मैंने अकेले नहीं तगड़ा सपोर्ट किया था। पर क्यों किया था? फैक्ट्स के साथ, क्योंकि भाई उसकी थीम, उसकी हाइप अलग है। लाहौर 1947 के प्रोड्यूसर पे आप सच में इतना भरोसा करते हो? आमिर खान पे थोड़ा सोचो भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। ख्याल रखो अपना यार।